हे दोस्तों, व्हाट्सअप, आई एम बैक। तो दोस्तों, मैंने सोचा है कि आज आपके लिए मेंटल हेल्थ के बारे में कोई स्पेशल वीडियो बनाऊं। एज पर यू नो कि 2 साल में मेरा पैरामेडिकल कोर्स पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल के कॉम्पिटेटिव माहौल की वजह से लोगों में और छोटे बच्चों में मेंटल स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है? नहीं ना। और इसी के वजह से हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, लेट स्टार्ट। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना नया सेशन। कुछ जुर्म के बारे में सुनकर ही हम सोचते हैं कि कैसे कोई इंसान ये सब कर सकता है। क्या ये सच में किसी इंसान का काम है या शैतान का? आज की हमारी कहानी में हम ऐसे ही क्रिमिनल्स की मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो जुर्म करते वक्त शायद ये भूल गए थे कि वो इंसान है। देना। अरे लेना। गप। क्या रे, इतना क्यों शर्मा रही है? कल रात को तो सब कुछ हो गया ना? गप। वो सब बंद कमरे में था, यहाँ कोई देख लेगा तो। अरे अपन तेरे गांव पुलिस से बहुत दूर है, और 2 दिन में तू माधवी प्रथम कोली बनने वाली है, और फिर तो मुझे लाइसेंस मिलने वाला है तेरे साथ मस्ती करने का। कब? लग्नानंतर। प्रथम, बहुत डर लग रहा है और बहुत खुश भी हूं। तो चिप्स खा। मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ। फोन कैसे बंद आ रहा है? प्रथम, प्रथम, ए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इधर नहीं आने का। वो मेरा बॉयफ्रेंड, मतलब मंगेतर, उसको देखा क्या? इधर कोई नहीं आता, निकलो इधर से। हाँ बेटा, क्या चाहिए? काका, वो मेरे मंगेतर बाथरूम गए थे, काफी देर हो गई, वो यहाँ आए थे क्या? कौन मंगेतर? ए रव्या। हाँ। इकड़े इसको देखा क्या? रे बाथरूम गया होगा। हाँ देखे ना। अबे इसको
नहीं मैडम, मैं अभी बाथरूम धो के आया। अगर आया भी होगा तो अब तक निकल गया होगा। निकल गया होगा? ऐसे कैसे? हम साथ में आए थे। प्रथम मैडम, प्रथम अरे मैडम, मैंने बोला था आपको वो नहीं है इधर। कहीं आपको अप्रैल फुल तो नहीं बना है? अरे मैडम रोइए मत, मैं हूं ना। आप रोइए मत मैडम जी, रोइए मत मैडम जी। मैडम मैं हूं यहाँ पे। चल काम कर अपना। आजा बेटा, आजा इधर बैठो। आओ ले बेटा पानी। शादी नहीं हुई ना तुम्हारी? ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। इसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूं मैं। तू टाइम खोटी मत कर, तू अपने घर चली जा बेटा। अगर मैं कभी भी कोई भी प्रॉमिस करके नहीं निभाऊं ना, तो समझ लेना कि मैं जिंदा ही नहीं हूं। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता माधवी। बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। नहीं, मेरा प्रथम मुझे धोखा नहीं दे सकता। लड़की बात साला। मारू नहीं तो क्या आरती उतारू क्या इसकी? तूने बोला इसलिए इसको काम पे रखा ढाबे पे मेरे। क्या बोली रे तू? ये सुधर गया, ये सुधर गया, सुधर गया। ये लड़की बाजी करता है। ये परवरिश की तूने इसकी? अरे माँ है ना तू इसकी। जैसा हुआ वैसा पाल लिया मैंने। कम से कम इसको छोड़ के किसी मर्द के साथ भाग नहीं गई मैं। शांत मत कर, ज्यादा शांत मत कर। संभाल तेरे बेटे को और सुधार इसको। सुधर जा, मैं तो पूरे कारनामे तेरे पुलिस को बताऊंगा। फिर जिंदगी भर सड़ता रहेगा जेल में। अरे तेरे लिए मैं यार 1000 पापड़ बेचती हूँ ताकि मरने से पहले तेरे लिए पैसा जमा करके जा सकूं। और तू लड़की बाजी करता है, क्या समझता नहीं है तू? वो लड़की रो रही थी तो उसको चुप कराने के लिए मैं उसको हाथ लगाया। तेरा बाप किसी दिन आके हम दोनों को चुप करा देगा। पहले खुद को तो संभाल, बाद में बाकी लोगों को संभालना। उस ढाबे के सिवाय तेरे पास आई क्या? संभल जा, नहीं तो किसी दिन तेरा बाप किसी नाजायज बच्चे को उठा के उस ढाबे पे बिठा देगा। फिर क्या करेगा तू? मेरा बाप है ना तपस्दा, बहुत बड़ा वाला है, खुद चाहे जो करे। इधर मेरे को ज्ञान देने से नहीं चुपता। खुद तो मेरी आई को छोड़ दिया किसी जवान लड़की के चक्कर में और मुझे बोलता है लड़की बाजी ना करे। बहुत गलत किया तेरे आई के साथ तेरे बाप ने। पर बेटा बाप पर ही तो जाता है।
अरे तपस दा उस दिन वो ढाबे पे लड़की दिखी थी ना, क्या लड़की थी दादा, उसको देख के तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अरे तुम प्रॉब्लम क्या है? अरे उसका बॉयफ्रेंड अभी गायब है, वो मैडम एकदम अकेली है। अकेली कहाँ है? हम है ना उसका अकेलापन दूर करने के लिए। इसका मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया? नहीं सर, मेरा प्रथम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। देखो माधवी, आई अंडरस्टैंड, ये सब बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, मगर हमने ऐसे कई केस देखे हैं जहाँ पे। क्या आपने प्रथम को देखा है? देखा है? नहीं ना, मैं जानती हूँ उसे, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है सर। सर मुझे लगता है कि मेरे फैमिली ने ये सब किया, वो पहले ही प्रथम को मारना चाहते थे। मामा, 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 नका ना मारो, प्लीज। चल। ए, गांव छोड़ के चला जा, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे को। वैसे भी तू अनाथ है, तेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, चल निकल। फिर सर अब गांव छोड़कर यहाँ आ गए, परसों शादी करने वाले थे। सर मेरे फैमिली ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा, प्लीज उसे ढूंढिए, प्रथम के सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे गांव का नाम? बोड़ी गांव। हाँ ये बोल। हुगु भाई, कार्तिक, अरे काय झाले तुला? आई कुछ नहीं हुआ है, बिना बात का पतंगड़ मत बना, नॉर्मल हूँ मैं। क्यों ना करूँ, आई हूँ तुम्हारी। अरे कितनी मार लगी है मेरे बेटे को, फिर से किसी से लड़ाई हुई क्या? आई वो एक लड़का एक लड़के के साथ बदतमीजी। मैंने कितनी बार समझाया तुझे, मैंने तुझे वहाँ पढ़ाई करने भेजा है, मारा मारी नहीं। आई अब ज्यादा ज्ञान मत दे, बाद में बात करता हूँ। अरे सुन तो मैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय मेंटल हेल्थ वीडियो चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लड़कों के बारे में जो लड़कियों के लिए यूज एंड थ्रो का एटीट्यूड रखते हैं। मैडम, हम सिर्फ हमारे कस्टमर्स को ही बाथरूम यूज़ करने देते हैं, अगर ये यहाँ पे आया भी होगा तो पीछे से आया होगा और वहीं से निकल गया होगा। मैडम आप चाहे तो पूरा ढाबा चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखा था यहाँ जिस दिन प्रथम गायब हुआ? नहीं मैडम, क्या है वो मुझे डायबिटीज़ है, तो मुझे टाइम पे खाना खाना पड़ता है, तो मैंने खाना खा के काम पे लग गया तो नहीं देखा। मैडम मैं था यहाँ पर अब इतने कस्टमर्स आते हैं कि मुझे भी याद नहीं। पगाड़े, कुछ भी याद आए या पता चले तो इन्फॉर्म करना। फार्म हाउस चलो। रुको 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 रुको, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इधर अंदर नहीं आने का। अरे ये इतना धुआं क्यों कर रखा है, और ये धूप बत्ती ये क्यों जला रखी है? कहते हैं कि हफ्ते में अगर एक बार धूप जलाओ तो वातावरण साफ रहता है और कोई बुरी शक्ति भी नहीं आती। मैं अकेला रहता है ना इधर, इसलिए। इस पे नजर रखो। मैडम सर, मुझे अपने साथ पोड़ी गाँव क्यों नहीं लेकर गए? माधवी तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम वहाँ से भाग कर आई हो, पता नहीं वो लोग तुम्हें देख के कैसे रिएक्ट करेंगे।
अच्छा हुआ माधवी इसी लायक थी, उसको बोलना यहाँ आने की हिम्मत ना करे, नहीं तो काट के रख दूंगा। तुम्हारे घर का राजा जो काट के रख दोगे? माना की बेटी है तुम्हारी लेकिन बालिक है, उसे अपनी अर्जी से शादी करने का हक है, समझे? और माँ बाप का हक, पैदा किया है उसको। पैदा किया तो क्या, जान से मारोगे भी? कहीं तुमने तो प्रथम को रास्ते से नहीं हटा दिया? अब यहाँ बोलोगे या थाने ले चलूं? देखो साहब, कल तो मैं यहीं पर था, पंचायत का कुछ काम था, गांव में किसी से भी पूछ लो। वो तो हम पूछेंगे। सर ढाबे पे कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, मगर सर ढाबे के पास एक फार्म हाउस है सर, वहाँ का वॉचमैन है, मुझे शक है सर, थोड़ा अजीब सा है सर। सर अपने कांस्टेबल लगाया वहाँ पे उस पर नजर रखने के लिए। और हाँ सर, ढाबे पे और फार्म हाउस पे दोनों पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। प्रथम का मोबाइल ट्रेस हुआ? सर उसका फोन आम के बगीचे में बंद हुआ था और अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। सर माधवी के गांव में पूछताछ की है सर, गांव वालों का कहना है कि माधवी के फादर को प्रथमेश और माधवी से बहुत प्रॉब्लम थी, हालांकि गांव वालों ने उसकी एलिबाई दी है, लेकिन सर वो पंचायत में, हो सकता है कि गांव वाले झूठ भी बोल रहा। सीडीआर का क्या हुआ? सर उस दिन उसके फोन की लोकेशन पोली गांव की ही थी। हो सकता है उसने मोबाइल घर पे छोड़ा। सर के काम करो, उस एरिया के टोल नाका सिग्नल सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मुझे लगता है माधवी को प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि उसका बाप उसको नुकसान पहुंचा सकता है। राइट सर, मैं को चैलेंज करता हूं सर। आपने इन्हें कहीं देखा? ये ध्यान से देखिए, यही कहीं देखा? आपने इन्हें कहीं देखा? यही हम वहां बैठे थे। माधवी चलना यार, शादी करते हैं। ये क्या था? प्रपोज कर रहा हूं ऐसे ऐसे प्रपोज करेगा ना तो मैं क्या, कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी। जरा सुधा रोमांटिक नहीं है ना तू? देख मैं इतना रोमांटिक तो नहीं हूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हूं। तेरी हर जिम्मेदारी, हर जरूरत अपनी ड्यूटी मानूंगा। प्यार जताना नहीं जानता, लेकिन तुझसे बहुत प्यार करता हूं मैं। इतना कि तुझे अपना नाम देना चाहता हूं। हीरे की अंगूठी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये हीरे लाल का बटाटा वड़ा रोज खिलाऊंगा। टोटल 1,000 रुपये। और कार्तिक? हाँ काका। खाना कैसा है? बढ़िया है काका। पर तू सलाद नहीं खा रहा? सलाद खाया कर, दिमाग तेज रहता है। पढ़ाई कैसे चल रही? एकदम मस्त है काका। काका ये पुलिस का है कोई इधर? वो एक लड़का कल गायब हो गया यहाँ से। गायब क्या हुआ, भाग गया लड़के को छोड़ के, लड़की ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब पुलिस का रोज का आना जाना चालू हो गया यहाँ पे। जाओ दे, ठीक है काका, निक तो मी। कार्तिक साइन तो कर। हाँ सर, ये तो प्रथम ही लग रहा है। ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कोई रहता नहीं है। आज सुबह वॉचमैन ने कुत्तों की आवाज़ सुनी, जब वो यहाँ आया तो उसने ये मुंडी देखी। फॉरेंसिक के लिए भेज दो, और बाकी बॉडी देखो कहाँ है, मिलती है चेक करो। माधवी को फोन करो। तृप्ति, ये जगह ढाबा और फार्म हाउस इससे ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जो कुछ भी हुआ है ढाबा और फार्म हाउस के बीच में हुआ। एक काम करो, इस बीच का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, और हाँ ढाबे पे नजर रखो, देखो कोई हिस्ट्री शीटर वहाँ आता है क्या। शिर के माधवी के घर वालों की क्वालिटी टेस्ट चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं
कि इसकी सुपारी माधवी के घर वालों ने दे दी। ठीक है एक मिनट। हेलो क्या माधवी रूम में नहीं है? ठीक है सर, ये माधवी अपने होटल रूम में नहीं है। क्या पता करो कहाँ गई। ठीक है सर। पूरा कमरा अच्छे से चेक करो। सर कुछ नहीं। आखिर ये चली कहाँ गई? सर माधवी के पिताजी का फोन कल पूरे दिन स्विच ऑफ था। हो सकता है उसको पता चल गया कि ये प्रथम माधवी को धोखा दे रहा है तो उसने उसको मार दिया होगा। पता करो कहाँ है। ओके सर। देखो कुछ नहीं मिलने वाला। सर तो घर के पीछे एक पेटी में तलवार मिली, इसके ऊपर खून के दाग भी है। चल अरे सब साहब मैं बोल रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया। सब प्रथम का सर कटा है, तेरे घर पे तलवार मिली जिसको खून लगा था, तेरा कल मोबाइल बंद था ना हा? और तूने पोली गांव से भंडारा ट्रैवल किया था, कंडक्टर ने पहचान लिया तेरे को। अरे साहब भंडारा के पहले तीन गांव निकलते हैं, हम लोग राबाड़े गए थे वसूली के लिए, इसलिए तलवार थी हाथ में। और मैंने तो अपनी बेटी का श्राद्ध उसी दिन किया था जिस दिन उस लड़के ने उसको छोड़ा था, तो फिर मैं क्यों मारूंगा अपनी बेटी को? वो तू बोलेगा क्यों मारा तूने बेटी को बगाटे कहला इतका मारना खर बोलेगा। और इसका अलिबाई चेक करो भंडारा गांव का। अरे ओए सर पुराने केस की फाइल में से एक बड़ा अजीब सा केस मिला है सर, लगभग 6-7 महीने पुराना होगा सर। सर इसमें संभाजी ने क्लेम किया है कि उन्हें ढाबे के खाने में इंसान की उंगली मिली थी। सर मैंने एविडेंस मंगवाए हैं और उसमें एक रिंग मिली है सर। कितने महीने पहले का केस है? सर लगभग कुछ 6-7 महीने पुराना केस था सर। सर मेरे से पहले जो ASI थे उन्होंने एक केस लिखा था और उसके बाद एक केस क्लोज कर दिया, पर सर संभाजी का कहना है कि बाबू राव और संभाजी की कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ था सर, उसके बाद उन दोनों की जो पार्टनरशिप थी ढाबे में वो ख़त्म हो गई थी सर। तो सर बाबू राव का कहना है कि संभाजी उनके ढाबे को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। 6 महीने पहले का केस मतलब मेरी ट्रांसफ़र होने के पहले का। एक काम करो उस वक्त जिस ASI ने लिखा था केस उससे कॉन्टेक्ट करो, फॉलोअप लो इस केस का, उस संभाजी के बारे में डिटेल्स निकालो और अंगूठी के बारे में भी। सर ये माधवी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, कल शाम को कुछ लोगों ने उसे होटल में देखा था और उसके बाद से वो गायब है। उसका फोन भी वो होटल के आसपास वाले एरिया से स्विच ऑफ है। ये होटल सुनसान एरिया में ना, जंगल जैसे। एक काम करो श्रीते, अपनी टीम को सर्च करने के लिए बोलो और CCTV फुटेज में देखो कोई गाड़ी पास हुई है क्या। राइट सर। ये तो काका प्रेस्टी साइड की बात आ रही है ना। एक काम करो सिर्फ इस रास्ते में जितने भी CCTV है सबका फुटेज कलेक्ट करो और आसपास पता करो कहीं प्रेस्टी साइड का कारखाना या शॉप है क्या। अब तक पुलिस को लग रहा था ये ऑनर किलिंग का मामला होगा, माधवी के घर वालों ने प्रथम को मारा होगा, शायद माधवी को पाने के लिए किसी ने प्रथम की जान ली हो, कोई एक्स बॉयफ्रेंड या जिल्टेड लवर जिसने माधवी के साथ इतना ब्रूटल रेप किया था। पुलिस के सामने कई एंगल थे
जो उन्हें टटोलने थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को बाबूराव के ढाबे के बारे में अजीब अजीब बातें पता चल रही थी। कभी तो लग रहा था कि पुलिस के सामने दो अलग अलग केसेस हैं, और कभी ऐसा लग रहा था कि दोनों केसेस में कोई ना कोई कड़ी है जो उन्हें जोड़ती है। पर माधवी के रेप इन्वेस्टिगेशन में एक तीसरा एंगल सामने आया जो पुलिस ने भी नहीं सोचा था। सर, ये पेस्ट कंट्रोल की गाड़ी है जो 10 दिन पहले चोरी हो गई थी, लेकिन जब मैंने चेक किया तो पता चला कि इसका नंबर चेंज किया गया है, लेकिन गाड़ी वही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, माधवी जिस होटल में रह रही थी ये गाड़ी 2 से 3 बार वहाँ देखी गई। ड्राइवर पे जूम कर। ये चेहरा जाना पहचान लगता है, ये तो मुन्ना बख्शी है, सीरियल रेपिस्ट। मुन्ना बख्शी? हाँ, अरे भोपाल पुलिस को वांटेड है ये 3 रेप केस और 2 मर्डर केस में। हाँ सर, इसके बारे में सुना तो है, बड़ा ही साइको है। अरे मैं नागपुर में था ना, तो भोपाल पुलिस के साथ इसको ढूंढ रहा था, नहीं मिला मुझे, अभी मिलने से ठोकता हूँ इसको। मैडम जी, कहीं जाना है आपको? बस ये आगे शंकरवाड़ी है ना, वहीं तक जाना। शंकरवाड़ी? मैडम वो तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मैडम, वहां तक आप चल के जाओगी? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा चलो, आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी मम्मी को फोन कर देती हूँ। हेलो, हाँ मम्मी, मुझे गाड़ी मिल गई है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चले सब। चल पुलिस स्टेशन। मैंने क्या किया साहब? मारो और मारो, मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है, मारो और मारो। तेरे जैसे मर्दों की वजह से औरतों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ है, समझा? माधव को तूने मारा ना, उसका रेप तूने किया ना, तेरे वैन में सारे सबूत मिले, उसकी सलवार, मोबाइल, पर्स। अपुनिश मारा उसको। प्रथम का मर्डर भी तूने किया ना, उसका सर काटा तूने, उसकी बॉडी कहाँ है? कौन प्रथम? अपुन मर्दों को हाथ नहीं लगाता, अपने को तो खाली औरतें अच्छी लगती है। शिरके, माधवी के फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और प्रथम की बॉडी ढूंढ लो। बगाटे, 2 दिन कोर्ट को छुट्टी है, इसकी चार्जशीट बनाने के पहले इसको इतना मारो कि इसके बॉडी का पार्ट काम करने लायक नहीं रहना चाहिए। अब हंस। सर, मुझे मेरे बेटे कार्तिक की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? 15-16 दिन पहले। क्या करता है? मेडिकल स्टूडेंट है साहब, यहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। बड़ा ही होशियार है मेरा बेटा, पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि 15 दिन में एक बार मुझे फोन करता था। परसों उसका जन्मदिन था, इसलिए मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। 3 दिन से वो फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं उसके कॉलेज भी गई, तो वहाँ पता चला कि 14 दिन से वो कॉलेज ही नहीं आ रहा है। किसी के साथ झगड़ा, दुश्मनी, कोई मारपीट, ऐसा कुछ हुआ था उसका? इसे गुस्सा बड़ी जल्दी आता था साहब, अगर कोई किसी लड़की से छेड़खानी करे या बड़े बुजुर्ग से बदतमीजी से पेश आए तो उनसे उसकी लड़ाई हमेशा होती थी। जब आपकी उसके साथ आखिरी बार बात हुई तो कहाँ था वो? कॉलेज, हॉस्टल? साहब वो खाना खाने जा रहा था, किसी
भोसले खानावर में, वो हमेशा वही खाना खाता है साहब। भोसले खानावर, ठीक है। त्रुटि इन जगह ने डिटेल घूम टक, और इनके साथ जाओ कॉलेज और हॉस्टल, देखो क्या है सब। चलिए मेरा बेटा मिल तो जाएगा ना साहब? हाँ मिल जाएगा, फिक्र मत कीजिए, उसको ढूंढ के निकाले हमने। शिरके ये भोसले खाना वाला का जरा चेक करो नहीं बार। ऐसे कैसे गायब हो गया लड़का? तुम बता सकते हो ना बाबूराव, तुम्हारा दावा है। पहले प्रथम, अब ये कार्तिक, दो दो लड़के गायब हो गए तुम्हारे धाबे से। नहीं, प्रथम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ कार्तिक के बारे में जानता हूँ। उसका खाता चलता है यहाँ पे। ये देखिए ना सर, ये देखिए सर, ये 4 तारीख को उसने आखिरी साइन किया था। पुलिस क्या कर रहे हैं? कॉल भी आया था। तवज्जो, तुम निकलो, मैं देखता हूँ। बाबा, वो ढाबे पे ऐसे पुलिस हर रोज आते जाती है तो बहुत बदनामी हो रही है ढाबे की। चुप कर, तेरा नाम क्या है बेटा? रवि। रवि बेटा, इंसान के बदनामी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी जान है, समझा ना? हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आते, तुम्हारे ढाबे के खिलाफ कंप्लेंट आई है इसके पहले भी, समझा? साहब अब क्या कहेंगे साहब, जिसका धंधा अच्छा चलता है ना उसके अपने भी जलने लगते हैं। मेरा पार्टनर था संभाजी, बहुत दारू पीता था, बोलता था यहाँ पे लड़की लोग खड़ा करेंगे वो ट्रक ड्राइवर के लिए। साहब मेरे को फैमिली ढाबा चलाने का है, तो हमारी लड़ाई हो गई, मैंने उसको निकाल दिया, उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब क्या कहे साहब, ये कौन करता है क्या जाने। कोई तो सब पता करना है ना, ये सब कौन कर रहा है, समझे रहे हो बेटा? स्मिता पकड़, चेक करो। आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे बेटे को ढूंढिए। आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर मैंने कार्तिक के बारे में पता किया, सर सबने उसकी बहुत तारीफ करी। थोड़ा टेढ़ा था सर, पर बहुत हेल्पफुल था सर, अपने काम से काम रखता था सर। और हाँ सर, कार्तिक की लास्ट लोकेशन ढाबे के पास ही की थी। तेरी क्या चल रहा है शिरके अपने शहर में? हाँ ऐसे बार बार आदमी हवा में कहाँ गायब हो रहे? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। वो संभाजी की मिसिंग कंप्लेंट का क्या हुआ? सर मेरी उसकी वाइफ से बात हुई थी। हाँ। उसका कहना है कि संभाजी की डेथ 4 महीने पहले ही हो गई है। कुछ अजीब सी बात कर रही थी, कह रही थी कि संभाजी कोई काले जादू की वजह से मरा है, और ये संभाजी ने ढाबा इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि ये बाबू राव ढाबे में इंसानी मांस परोसता है। क्या? सर मेरी ऑन ड्यूटी एएसआई से बात हुई थी। सर उन लोगों ने मामला चेक किया था, उन्होंने बोला उन्हें कुछ नहीं मिला सर, सब आपसी रंजिश का मामला है। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है, ये बाबू राव की कुंडली चेक करो। और शिरके अपने पुलिस स्टेशन के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ की मिसिंग कंप्लेंट क्रॉस चेक करो, और वो संभाजी के खाने में जो अंगूठी मिली थी वो उनसे आइडेंटिफाई करवा। और एक काम करो, अपने खबरियों को अलर्ट करो और पता करो कि उस ढाबे से किसी ने ह्यूमन मीट खाने की या खरीदने की बात की है क्या। उस ढाबे का खाना चेक करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर हम उसका खाना खुद लेने जाएंगे या फिर किसी से मंगवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें वो सही आइटम देगा। इसलिए कहता हूँ शिरके, 4 चम्मच शक्कर की चाय पिया करो, दिमाग की बत्ती जलेगी। हम खुद नहीं जाएंगे वहाँ, हमारा कोई इक्का जाएगा वहाँ। जी नमस्ते। नमस्ते, आपके पास चिकन मटन कुछ मिलेगा? हाँ सब मिलता है यहाँ। एक काम कीजिए, 5 प्लेट मटन दीजिए, मटन मसाला। 5 प्लेट? हाँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। और ये 15 जन के लिए चिकन कितना लगेगा? 5 प्लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, 5 प्लेट दीजिए। 20 रोटी दीजिए। जी। और अपने पास जीरा राइस है? हाँ। हाँ तो वो एक 10 प्लेट पार्सल दीजिए, और पीसेस जरा अच्छे से डालना। अरे आप खा के तो देखिए।
1000 रुपए हो गया। अच्छा रवि। हाँ ये ले फटाक से बना जालो कर। क्या पार्टी है क्या साहब? हाँ बस पार्टी ही समझिए। हम लोग एक कंपनी का कॉन्फ्रेंस है 1 महीने के लिए, तो हम लोग इधर ही है। कंपनी ने पैसा दिया है होटल का खाना खाने के लिए, लेकिन ढाबे का खाना सबसे अच्छा और सस्ता है ना। इसलिए 1 महीना हम लोग आपके पास ही खाना लेके जाने वाले हैं। फिर तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। अरे क्या बात, थैंक यू। आप बैठे, आपका पार्सल तैयार होता है, तब तक आप चाय भेजिए। जी दीपक साहब के लिए चाय ला। जी आपका नाम क्या है? बाबूराव। अच्छा बाबूराव, थैंक यू। ए रवि पार्सल तैयार हुआ कि नहीं? हाँ हाँ लौकर सब। हाँ एक सेकंड। चलो बाबूराव जी, थैंक यू। हाँ सुपर, सही बकरा हाथ लगा है। नहीं तपसदा, ऐसे साथ बहुत लोग है। अरे नो प्रॉब्लम, प्रोफाइल में फिट बैठता है तो उठा लेंगे। कह रहे तुम लोग का नाटक फिर से चालू हो गया क्या? पुलिस की नजर है ढाबे पर, ध्यान में रखना, अपने हाथ पे काबू रखो, समझे? और तू सुधर जा। भाई साहब ये मेरा बेटा है, यही रहता था, आपने कहीं से देखा है? देखिए देखिए ठीक से देखिए, कहाँ गया होगा? हाँ आपने इसे कहीं देखा है? सचिन तृप्ति शिव सर है, इज फ्रॉम नागपुर कमिश्नरेट। मैंने खास इस केस के लिए उनके ट्रांसफर करवा लिया रिक्वेस्ट में। जैन सर। जैन। जैन सर। जैन। सचिन ये खाना है उस ढाबे का, इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। लेकिन सर एक दिन के खाने में कैसे पता चलेगा इसमें कुछ गड़बड़ है? आई मीन उन्हें डेली इंसान तो मिलेगा नहीं ना। पूरे 1 महीने तक खाना आएगा और फॉरेंसिक के लिए जाएगा। तुमने कुछ डिटेल्स निकाली केस की? हाँ सर, ढाबे पे जो जो लोग काम करते हैं उनका बैकग्राउंड मैंने चेक किया सर, कुछ खास नहीं मिला। सर बाबूराव की एक बीवी और उसका एक बेटा है सर, जिन्हें वो पहले ही छोड़ चुका है सर। वो यहीं पास में ढाबे के पास एक गांव में रहते हैं। सर मैंने पिछले 1 साल की मिसिंग कंप्लेंट चेक की है, ऐसे 5 लोगों के नाम मिले हैं जो ढाबे के आसपास से गायब हुए हैं। सर एक मिनट। सर ये हैं वो 5 लोग, कार्तिक बोले, प्रथम कोहली, मानव कोल, सृजेश नायर और अंकित जैन। सर अंकित जैन पहला विक्टिम था जो ढाबे के पास से गायब हुआ था। इसकी मिसिंग कंप्लेंट पूना में हुई थी, लेकिन ये गायब हुआ था गोंदिया बॉर्डर से जो ढाबे के पास ही है। और संभाजी को खाने में जो अंगूठी मिली थी वो इस अंकित जैन की ही थी सर। क्या? हाँ सर। सर अंकित जैन की वाइफ से मेरी बात हुई थी, उसने हमें कंफर्म किया ये उसकी वेडिंग रिंग है सर। सर उस फोटो भेजी है उसने। एक मिनट ये देखिए। लेकिन ये रहता पुणे में था तो यहाँ क्या कर रहा था? सर ये अंकित जैन सिविल इंजीनियर था, साइट देखने के लिए गोंदिया आया जाया करता था। लेकिन इसकी बीवी ने बताया कि ये बाहर खाना वगैरह नहीं खाता था, तो मतलब हो सकता है कि ये ढाबे पे वॉशरूम यूज करने के लिए रुका। स्वाति और माधवी ने यही कहा था कि प्रथम वहाँ वॉशरूम के लिए गया था। हाँ सर। अंकित की बीवी ने और कुछ बताया? नहीं सर। तृप्ति शिर्के इन सारे विक्टिम्स में कोई कॉमन कनेक्शन की चेक करो। शिव वो ढाबा अच्छी तरह सर्च करना। जी प्रथम गायब हुआ उस दिन तुम थे ढाबे में, क्या देखा तुमने? हाँ उस दिन अपन ढाबे पे ही था, वो लड़का बाथरूम की तरफ गया, फिर उसके पीछे वो ढाबे वाला बंदा गया, लेकिन आते समय वो ढाबे वाला बंदा अकेला ही आया, अपन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। फिर माधवी आई, अपन उसके ऊपर ही अटक गया। कहानी खत्म। लेकिन अब आप ये सब झमेला बता रहे, लगता है कुछ लफड़ा है। इनमें से कौन था? नहीं ओ पीछे यही। हाँ सर।
तपस के बारे में पता करो। ठीक है सर। सर ये तपस 2 साल पहले ही बंगाल से यहाँ पे आया है, लेकिन इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बाबूराव को 3 महीने से ही मीट सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये अंकित तो 6 महीने पहले गायब हुआ। राइट सर। वैसे ये तपस और भी बहुत सारी दुकानों पर मीट सप्लाई करता है, सभी से बैकग्राउंड चेक किया है, लेकिन कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आई है। नहीं नहीं शिरके, मेरा गट फीलिंग कह रहा है ये तीनों ने कुछ कांड किया है। एक काम करो, शिव को अलर्ट कर दो, और ये तपस इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बंगाल पुलिस से निकलवा। राइट सर। ये कार्तिक का आखिरी हिस्सा, अब इसका कीमा बनेगा। हाँ पता है पूर्णिमा आने वाला है। हाँ बाबा के लिए नया ताजा खून ढूंढना पड़ेगा। वो शिव एकदम फिट बैठता है। हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक है करता हूँ मैं कॉल। हाँ नमस्ते बाबूराव। अरे नमस्कार नमस्कार। पार्सल रेडी है? हाँ बस 10 मिनट। अच्छा मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। जी जी। ए दीपक पार्सल रेडी करना। शिरके लो कर यार। व्हाट शिरके, ये लोगों को यहाँ इंजेक्शन देके इस स्टोर रूम में छुपा देता है क्या रे? वो बाबूराव का ने बोला था हमको ये करने के लिए। बाबूराव ने बोला? चल हम कुछ नहीं किए सर, हम कुछ नहीं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चल पुलिस स्टेशन बताता हूँ क्या हो रहा है। चल चल बोल। वो बाबूराव ने बोला था करने को साहब। साहब मेरा बाप ये सब हमसे करवाता था। साहब पता नहीं वो दोनों मेरा नाम क्यों ले रहे, लेकिन सच्ची में साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा तेरे बाप ने बोला और तुम दोनों ने किया, इतने भोले बनते हो? हाँ नाटक कर रहे हो? वो बाबूराव ये रहे साहब। हाँ साहब मेरे बाप का तांत्रिक प्रवृत्ति है सब, वही हमसे ये सब उल्टा सीधा काम करवाता था। मेरे बाप ने हम लोगों को रेप करते हुए पकड़ लिया था, तब से ब्लैकमेल करने के लिए सब वो हमसे ये सब काम करवाता था। इंसानी मांस साहब, ये ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ वो रेप वाली बात सच है साहब, ये दोनों ने हमारे यहाँ पे एक बाई थी काम करने वाली, उस पर रेप किया था। मैंने वो बाई को पैसे दे दिए थे साहब, और इन दोनों पे नज़र रख रहा था साहब। ये लड़कीबाजी ना करे ये मैं सोच रहा था, लेकिन ये लड़की उठाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बाबूराव दो लड़के तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ तो बात होगी। प्रथम और कार्तिक मिलाकर 6 लड़के गायब हो गए तुम्हारे ढाबे के आसपास, और पहली कंप्लेंट आई 12 नवंबर को अंकित जैन की। 12 नवंबर? हाँ साहब 12 नवंबर के दिन तो मैं मेरे दोस्त के बेटे की शादी में गया था। वो दोस्त मेरा मेरे ढाबे पे काम करता था, उसके बेटे की शादी थी। आप चाहे तो चेक कर लीजिए साहब, ये 6 महीने पहले की बात है। ये तुमने नहीं किया तो किसने किया? इन डेट्स पे इन तीनों की एलिबाई चेक करो। तपस और रवि के फोन में कुछ मिला? सर मैंने तपस के बारे में चेक किया। सर वो अपने एक दोस्त से रोज बात करता था बंगाल में, तो मैंने बंगाल पुलिस को बोला इस बारे में पता करने के लिए। और हाँ सर रवि, सर रवि तपस अपने माँ बाप इनके अलावा ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। सर
मेरी बंगाल पुलिस से बात हुई है सर, उनका कहना है कि ये तपस बचपन से ही बड़ा वायलेंट किस्म का लड़का था। अच्छा। घर में अपने जानवरों को मार दिया करता था, एक बार तो अपनी छोटी बहन का सर भी फोड़ चुका है, इसी वजह से घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं रवि, ये सारे झमेले में फंसा कैसे? सर, सर आईटी डिपार्टमेंट से फोन था। सर तपस ने रवि को ये कुछ तंत्र सिद्धि के नोट भेजे थे सर। सर ये तंत्र 7 जन्म तक पति को साथ रखने के हैं। तपस ने रवि को क्यों भेजे? सर कहीं ये रवि गे तो नहीं है और शायद किसी से प्यार करता हूं, या फिर किसी औरत का हाथ है सबके पीछे। एक पति पाने के लिए तुमने 6 लोगों को मार दिया। नहीं साहब, वही पति 7 जन्म मिलने के लिए, ये तो बहुत छोटी सी कीमत है ना साहब। अरे कीमत छोटी नहीं, तुम्हारी अकल छोटी है, मूर्ख भाई है तू। वो तपस ने तुम्हें तंत्र मंत्र के जाल में फंसा दिया, उसको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था, समझी? लोगों को मारना उसको अच्छा लगता था, चस्का था उसको लोगों को मारने का। सचिन, तो फिर मेरी साधना का क्या होगा, मेरा तंत्र? मेरा पति मेरे को 7 जन्म नहीं मिलेगा अभी। 7 जन्म क्या, ये जन्म भी नहीं मिलेगा अभी। लोग साधना क्यों करते? अपनी बुराइयों को काबू में करने के लिए। तुमने ये जो किया ये अंधविश्वास और क्राइम था। अब रहो सड़ो जेल में, बाकी तपस्या जेल में करो। तुम, तुम्हारा बेटा और तपस जेल के बाहर जिंदगी भरने निकलेगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा मैं। यूं याद रखिए, लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट से हासिल नहीं होता, और ना ही हम किसी और को काबू में कर सकते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा, और हमें इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के जस्टिस रीलोडेड श्रृंखला के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमें जगह जगह देखने सुनने को मिलता है। विमेन एम्पावरमेंट की बातें भी हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि देश की राजधानी हो या कोई छोटा सा गांव, औरतों की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। स्कूल जाने वाली बच्ची हो या ऑफिस में काम करने वाली लड़की, हर औरत के जहन में एक खौफ छिपा होता है। एक अनजान डर हर कामकाजी औरत की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अंकल दृष्टि कहाँ पर है? अंदर ही है कमरे में, जाओ मिल लो। दृष्टि। अंकल दृष्टि तो नहीं है कमरे में। हाँ अंदर ही है, बाथरूम में देखा तुमने? नहीं। जरा देखो। हाँ दृष्टि। मान ले आज से तेरा नया जन्म हुआ है, जो भी हुआ सब भूल जा। दुल्हनी तेरी बड़ी याद आ रही, मिलने आना। और तूने ना किया ना शादी भी टूट जाएगी। तेरा बिना कपड़े वाला फोटो है ना, वो तेरे होने वाले पति को भेज दूंगा।
लड़की रुक, कौन है तू? हाँ कौन है और इतनी रात को अकेले में कहाँ घूम रही है? वो सर जी, वो दवाई लेने के। पर इस गली में तो कोई दवा की दुकान नहीं। झूठ बोल रही है ना तू? घरों में ताकाजागी कर रही है चोरी करने के लिए। नहीं सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ। तो इस अच्छी लड़की का नाम क्या है? जी नगमा। और रहती कहाँ है? बोल। वो यहाँ से दूसरी गली राजनिवास। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, चल। जी जनाब, जी बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। जी जनाब, चल। लड़की, लड़की रुक, लड़की। ए लड़की रुक। ए, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं, सुनाई नहीं देता? उस दिन चकमा देके भाग गई थी ना, हैं? अब नहीं बच पाएगी। पूरा राजनिवास छान मारा मैंने, कोई नगमा नाम की लड़की नहीं रहती वहां। तेरा असली नाम नगमा नहीं है ना? बोल। एक बेटी, तेरी जैसी मेरी बेटी भी है। तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी का सगा नहीं होता। हाँ बिल्कुल सच है, पुलिस की नौकरी में फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। ऊपर से होली दिवाली जैसे त्योहारों पर तो फैमिली के साथ सोशल डिस्टेंसिंग कुछ ज्यादा ही हो जाती है। वो क्या है, एक्शन में रहने के लिए इमोशन को साइड में रखना पड़ता है। धीरे धीरे ये हमारा नेचर बन जाता है, आदत में शुमार हो जाता है। लेकिन एक केस था, शुरुआत तो उसकी बस एक ऑर्डर फॉलो करने से हुई थी, लेकिन उस केस ने मुझे और मेरे नजरिए को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे को ध्यान में रखते हुए ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि जितने भी औरतों के खिलाफ हुए अपराध के अनसॉल्व केसेस हैं पूरी ओपन किए जाए। जिन जिन केसेस में औरतें विक्टिम हैं उन सबकी लिस्ट बनाओ और शाम तक ये सारी फाइल्स मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। सर हमने 3 केस नोट डाउन किए, ये हमारे फर्स्ट केस की फाइल। सर बीना कश्यप नाम की औरत की 2010 में दिन दहाड़े हत्या हुई थी। बीना और उसका पति हरी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, बिहार से यहाँ रोजी रोटी के लिए आए थे। सर काफ़ी समय तक जांच चली लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सर हरी से कॉन्टैक्ट करो और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी इस केस की डिटेल्स निकालो। और सर ये दूसरा केस शबीना अहमद का है। सर लोकल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शबीना का किसी फारूक नाम के लड़के से अफेयर था। शबीना और फारूक दोनों ने भागने की भी कोशिश की थी, पुलिस ने काफ़ी ढूंढा दोनों को, पर शबीना और फारूक दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं चला। शबीना और फारूक दोनों के परिवारों की डिटेल्स निकालो। ओके सर, ये हमारे तीसरे केस की फाइल। सर इस औरत का मर्डर 2012 में हुआ था, शादीशुदा थी लेकिन अकेली रहती थी और इसका पति कुवैत में काम करता था। इस केस की भी डिटेल्स निकालो, फिलहाल इन 3 केसेस में काम करते। ओके सर।
माओवादियों द्वारा किए गए इस बम विस्फोट में लोकप्रिय जननायक योगेश सैनी का निधन हो गया। इस खौफनाक हादसे के पीछे किस संगठन का हाथ है यह अब तक नहीं पता चल पाया है। सर बीना कश्यप के केस में एक अजीब बात पता चली है। सर बीना की हत्या के 2 महीने के अंदर अंदर उसके पति हरि ने दूसरी शादी कर ली थी। हरि के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, सर हरि बिहार के बेनीपुर गांव का रहने वाला है। लोकल पुलिस को डिटेल्स भेज दी। और ये केस नंबर 2 शबीना है ना? सर शबीना और फारूक दोनों की फैमिली पुराने पते पर नहीं रहती है और पड़ोसियों के भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अंदर तक जाओ, शायद शबीना की कोई सहेली या फारूक का दोस्त मिल जाए गली मोहल्ले में। और ये केस नंबर 3 इसकी क्या अपडेट है? सर ये औरत जिस किराए के घर में रहती थी उस घर के मकान मालिक ने सालों पहले वो घर बेच दिया और पड़ोसियों से भी कोई नई जानकारी नहीं मिली है। वैसे सर खबरियों काम पर लगा दिया है। थैंक यू। देखिए मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि ये यंग अचीवर अवार्ड के लिए मुझे चुना गया। एंड आई रियली होप कि मेरी कहानी से बाकी यंगस्टर्स भी इंस्पायर होंगे। अरे वाह गोयल बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अरे तेरे माँ बाप के मरने के बाद मुझे इसी बात की फिक्र थी कि मैं तुझे और इस बिजनेस को कैसे संभालूंगा, पर देखो उस भगवान की कृपा से आज। दादाजी जो भी किया है मैंने किया है, आप प्लीज इसका क्रेडिट भगवान को मत दीजिए, मैं प्रसाद ले रहा हूँ। सर पार्सल। दादाजी एक मिनट। सर आप भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है। देखो मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं साइंस और लॉजिक को ज्यादा मानता हूँ। ये लो पूरा ये प्रसाद खा लेना। हाँ बोलो। अरे मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम उतना बजट कोट करो ना, तुम शिकावत की टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ मैं तुम्हें मेल कर रहा हूँ। बेटा विमल कोई परेशानी है? दादाजी वो शेखावत हमें पैसों के दम पे खरीदना चाहता है। लेकिन बेटा वो शेखावत बहुत खतरनाक आदमी है, जरा संभल के। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मैं क्यों डरूँ उससे? दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। मुरली क्या हुआ, कुछ काम है क्या, कहना है कुछ? सर वो मेरी बीवी की तबीयत खराब है, आधे दिन की छुट्टी चाहिए। आपको घर ड्रॉप करके मैं। सुनो तुम एक काम करो, तुम गाड़ी यहीं पे रोक दो और तुम घर चले जाओ। जाओ मैं खुद से ड्राइव करके चला जाऊंगा। हेलो। हाँ विमल सर निकल चुके। चलो चैप्टर समझ में आया, ठीक है आप कल कंटिन्यू करते हैं, मुझे कहीं जाना है। जयंती ले लो। मैम ये आपके हाथ में क्या लिखा है? जी ये उर्दू लैंग्वेज में कमल लिखा है। कमल यानी लोटस, पर आपका नाम तो मधु है तो आपके हाथ पे ही लोटस क्यों? तेरे ना सवाल कभी खत्म नहीं होते, चल भाग जाए ऐसे वरना ज्यादा होमवर्क दे दूंगी। बाय मैम। पूरा कंप्लीट चाहिए होमवर्क मुझे। क्या बदतमीजी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मधु तुझे अंदाजा भी है तूने क्या देखा है? एक खून के केस की चश्मदीद गवाह है तू। अरे क्या जरूरत थी पुलिस को ये सब बताने की? प्रेम अब देखना पुलिस बार बार परेशान कर देगी तुझे। प्रेम प्रेम शांत तो जाओ ना। माफ कर दे मुझे, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गया ना, पर क्या करूं तेरी फिक्र होती है मुझे। तुम टेंशन मत लो, एक बार हम कुवैत चले जाएंगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है मधु, वो जो 4 लाख तूने गहने बेचकर मुझे दिए थे उससे सिर्फ मेरा वीजा और वर्क परमिट बना है बस। तो मतलब तुम अकेले कुवैत जाओगे मुझे छोड़कर? कुछ ही महीनों की तो बात है मधु, एक बार बस मैं वहाँ पहुँच गया तो फ़ौरन पीसे कमाने के इंतज़ाम करने में लग जाऊँगा और फिर तुझे भी वहाँ बुला लूँगा। प्रेम लेकिन
मैं यहाँ अकेले तुम्हारे बिना। मधु तुझे मुझ पर भरोसा तो है ना? अगर नहीं है तो बता दे, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी। मधु तुम कितनी अच्छी हो, सबसे अच्छी। ठीक है, अभी खाना बना दो। हाँ मधु मान गई। सर बीना कश्यप के मर्डर केस में हमारा पहला सस्पेक्ट, उसका पति हरि है। सर लोकल पुलिस इसके गांव गई थी तो पता चला है कि अब वहां पर नहीं रहता है। और सर एक पड़ोसी से पूछताछ करने पर मालूम चला है कि पिछले कुछ सालों से ये केरला में दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा है और 2 साल से अपने गांव भी नहीं लौटा है। केरला पुलिस को इसके अपडेट भेजो। और ये केस नंबर 2 शबीना अहमद, इसकी क्या प्रोग्रेस? सर शबीना के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन फारूक के बारे में पता चल गया है। लोकल टीम उससे पूछताछ करने निकल चुकी है। और केस नंबर 3 इसकी क्या अपडेट है? सर इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मैंने पुलिस स्टेशन बुला लिया है। प्रेम लो। अच्छा सुनो, फ्लाइट में बैठते ही मुझे फोन करना, भूलना नहीं। ये भी कोई कहने की बात है? और देखना 4-5 महीने बाद तुझे भी वहां बुला लूंगा। प्रेम तुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? कैसी बात करती है मधु, अगर तू नहीं होती तो मैं कभी कुछ जा ही नहीं पाता। अब अगर तू ऐसे उदास रहेगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा ना। थोड़ा हंस दे। अरे प्रेम भाई वो गाड़ी आ गई है, सामान रख दूं मैं? हाँ मैं कुछ भूल गया। अरे मधु भाई मैं रहा। और आप ना फिक्र बिल्कुल मत करना, मतलब प्रेम भाई जा रहे हैं तो क्या हुआ, हम तो हैं आपकी खिदमत में, पूरा ख्याल रखेंगे आपका। अरे प्रेम भाई क्या कर रहे, मुझे तो अरे जा रहा हूँ, हमारे लिए कुछ लेकर आना। सॉरी आइए। जयंती हुआ सॉल्व? दिखा। हाँ अरे नहीं देख, ऐसे करेगी तो हमेशा गलत ही आंसर आएगा ना, तुझे बोला था ना। जयंती इधर ध्यान दे, इस मेथड से ट्राई कर, मैं वापस आती हूँ चेक करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दरअसल क्या है ना, मधु मैम, मधु मैम, मधु, मधु मिली क्या मधु? नहीं, हमने पानी टंकी के पास देखा पर मधु कहीं नहीं मिली। मैं वहां देख कर आता हूँ। हम उधर देखते हैं। हाँ गौतम भैया, मधु मैडम तो पता चला क्या? अरे नहीं भाभी, सारे में देख लिया, कहीं पता नहीं चल रहा मधु भाभी का। मुझे लगता है प्रेम भाई को हमें बता देना चाहिए। हाँ। हेलो प्रेम भाई, पीछे हटिए, पीछे 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 चलिए। इस लड़की को पहले कहीं देखा है मैंने? कहाँ देखा था? आसपास मालूम करो, शायद किसी को पता हो कि कौन है ये। जी सर। सर लड़की की पहचान हो गई सर, मधु नाम है इसका, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, यहीं पास के मोहल्ले में रहती थी, आज सुबह ही अचानक गायब हो गई थी सर। आखिरी बार किसने देखा था इसे? जयंती बेटा डरने की कोई बात नहीं है, अच्छी तरीके से याद करके बताओ, जो आदमी तुम्हारी मधु मैम से मिलने आया था आज, वो कैसा दिखता था? अंकल मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो इतने लंबे थे। अच्छा क्या एज होगी उनकी, मतलब बाल काले थे सफेद थे, कुछ याद है? काले थे और मधु मैम के सामने होने के कारण मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। वो आपस में कैसे बात कर रहे थे, मतलब लड़ाई कर रहे थे या प्यार से बात कर रहे थे? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अंकल ने उन्हें अस्सलाम वालेकुम बोला था। अस्सलाम वालेकुम। और अंकल के हाथ में कुछ सिल्वर कलर का ब्रेसलेट था। इस लड़की को ड्रग्स के इंजेक्शन दिए गए थे, उसके बाद गोंद से इसकी आंखें नाक और मुंह को चिपका दिया गया।
सफोकेशन से इसकी मौत हो गई थी। मुझे लगता है कि मारने वाले इन्वेस्टिगेशन से सामने क्या है? जो सामने आया उससे तो केस सुलझने की बजाय और उलझ गया। सर, मैंने आपसे कहा था ना कि इस लड़की को पहले मैंने देखा है। इस लड़की का नाम मधु नहीं, नीलोफर है। जी सर, पर आपको कैसे पता? ये देखो, ये इसके हाथ पर उर्दू में एक टैटू बना हुआ है। मैंने पता करवाया, ये नीलोफर लिखा हुआ है। और पोस्टमार्टम से ये भी पता चला है कि इसके साथ में गैंगरेप हुआ था, और गोंद से इसके जो आँख नाक मुँह को चिपकाया गया था उस वजह से सफोकेशन हुआ और इसकी मौत हो गई। तुम्हें इस केस के बारे में और क्या पता चला? ये देखिए सर, नीलोफर उर्फ मधु की मिसिंग फाइल, उसके फादर अयूब ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। तो ये नीलोफर रेवाड़ी की रहने वाली थी, लेकिन नीलोफर से मधु क्यों बनी? फिर हमने नीलोफर के पति प्रेम से बात की, जो उस वक्त कुवैत में था। जी, उसने बताया कि ये दोनों आपस में प्यार किया करते थे, लेकिन दोनों के प्यार के बीच मजहब आ गया, इसलिए दोनों ने भाग कर शादी कर ली। और फिर नीलोफर के घर वालों से बचने के लिए नीलोफर का नाम बदलकर मधु कर दिया गया। नीलोफर की मिसिंग कंप्लेंट उसके फादर अयूब ने लिखवाई। जी, हमने अयूब को ढूंढा लेकिन मिला नहीं। पड़ोसी ने बताया कि बदनामी के डर से उसने अपना घर बदल लिया। और आपने केस क्लोज कर दिया? जी नहीं, हमने और एंगल टटोले। सर, मुझे लगता है कि ये केस नीलोफर के अतीत से जुड़ा हुआ है। नीलोफर की बीती जिंदगी में जाने से कुछ नहीं हो, जो आदमी नीलोफर से मिलने आया था उसी ने उसका मर्डर किया। तो सर, इलाके के सारे स्टेशनों को उठा ले। जयंती बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, अब ध्यान से देखकर बताओ इनमें से कौन था। डरो मत, तुम उन लोगों को देख सकती हो, वो तुम्हें नहीं देख सकते। वो तो नहीं था, क्या वो वाला? हम काफी महीनों तक इस केस में लगे रहे मगर कोई क्लू नहीं मिला। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस केस में मैंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी? क्या आपने नीलोफर के पति प्रेम को इंट्रोगेट किया? जो आदमी नीलोफर से मिलने आया था, क्या उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा सस्पेक्ट था? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि नीलोफर ऑनर किलिंग का शिकार हुई, उसके पिता अयूब ने ही उसका मर्डर किया हो? जी नहीं। आप ये बताइए कि किस बेसिस पे आप इस नतीजे पर पहुंचे कि जो आदमी नीलोफर से मिलने आया था उसी ने नीलोफर को मारा है? अगर उसका इरादा नीलोफर को मारने का होता तो क्या वो जयंती की मौजूदगी में आता? और अगर वो जयंती की मौजूदगी में आया भी तो क्या उसको जिंदा छोड़ता? एक्चुअली इस तरह से हमने सोचा ही नहीं। इस केस को हमें शुरू से इन्वेस्टिगेट करना होगा। सबसे पहले ये पता लगाओ कि नीलोफर का पति अभी भी कुवैत में है या इंडिया लौटा है। सर, और सर, नीलोफर की स्टूडेंट जयंती, जिसने आखिरी बार नीलोफर को देखा था, उसके बारे में पता लगाता हूँ। जिस ब्रूटैलिटी के साथ नीलोफर को मारा गया, सफोकेशन से मरी, वो उससे तो यही लगता है कि किसी की गहरी रंजिश रही होगी नीलोफर के साथ। सर, नीलोफर के पिता अयूब ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट तो फाइल की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद से एकदम से गायब हो गया। अयूब ने समाज के डर की वजह से अपनी बेटी को नहीं अपनाया होगा, या फिर वजह कुछ और रही होगी। अयूब भाई, अब नीलोफर काफी बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में आपने कुछ सोचा या नहीं? अगर उसकी अम्मी जिंदा होती तो अच्छा सा लड़का ढूंढ देती नीलोफर के लिए। अरे आप एक बार बोलकर तो देखिए, नीलोफर के लिए एक से एक लड़कों की लाइन लगा देंगे। दो जगह बात चलाई है, अगर जवाब नहीं आता है तो बताऊंगा। जी जरूर। साहब, 2 साल तक मधु और प्रेम मेरे यहाँ किराएदार थे। मधु की मौत के बाद पता चला कि उसका नाम नीलोफर था। 2 साल से जानते थे आप नीलोफर और प्रेम को? दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा था? साहब, दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, पर हाँ, एक बार मैंने मधु को बहुत आग बबूला होते देखा था। समझ में नहीं आता, एक बार में मिल गया ना जवाब, निकल। मधु बेटा, क्या हुआ, क्या किया गौतम ने? कुछ नहीं काका, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई होती है। तो ये बात आपने उस वक्त पुलिस को क्यों नहीं बताई? बताई थी साहब, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बोले कि वो लड़की, मतलब जयंती, जो नीलोफर के यहाँ पढ़ने आती थी, उसने जिस आदमी को देखा था उसका गौतम से हुलिया मेल नहीं खाता था। Can't believe it. अच्छा, इस हादसे के बाद आपकी नीलोफर के पति प्रेम से बात हुई थी? एक बार सर,
वो अपना सामान लेने वापस आया था नीलोफर की मौत के करीब एक साल बाद। जब नीलोफर और प्रेम आपके मकान में रहने आए थे तो आपने उनकी आईडीज डॉक्यूमेंट्स तो लिए ही होंगे। 10 साल पुरानी बात है, उस वक्त लिखा पढ़ी कहाँ होती थी। अनुज, ये गौतम हमारा पहला सस्पेक्ट, पता लगाओ इसका। और बिना और शकीला के केस में क्या अपडेट है? सर, दो टीम लगी हुई है और मैं खुद भी इन दो केसेस के फॉलोअप ले रहा हूँ। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नीलोफर के केस में अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। मम्मी, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? नीलोफर, तू यहाँ क्यों आई है? अम्मी, मना किया था ना तुझे यहाँ। आप क्या कर रहे हो? इधर बैठो, इधर बैठो, आ जाओ, आ जाओ। पानी पिएंगे? मैं पी लूंगी, आप बैठो। इतनी तबीयत खराब है आपकी, आपने मुझे बताया भी नहीं। इसमें बताने का क्या है बेटा? ट्यूमर है दिमाग में। ट्यूमर? हाँ, हेलो गौतम, मेरी अभी अम्मी के डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला कि अम्मी के इलाज के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे। 6 लाख? नीलोफर, इतने रुपए कहाँ से आएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे पास करीबन 1 लाख रुपए रहेंगे, लेकिन बाकी के पैसे, गौतम तुम कुछ करो ना। अरे नीलोफर, अब मैं क्या करूँगा इसमें? लेकिन हाँ सुन, तू अगर चाहे ना तो तेरे लिए ये 6 लाख रुपयों का जुगाड़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर तू चाहे तो। समझ रही ना क्या क्या कह रहा हूँ मैं? देख, बड़ा सेठ है, अरे तेरी फोटो देख के हिल गया था, अब तेरा जलवा देखेगा तो पिघल जाएंगे। आ जाओ। सेठ, सर बीना के पति हरी ने बताया कि उसने बीना की मौत के तुरंत बाद शादी सिर्फ अपने 2 बच्चों के लिए की थी, जिन्हें वो अकेले संभाल नहीं पा रहा था। हरी ने उस वक्त किसी पे शक जताया था? सर, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 मजदूर थे, दीपक और रुपेश, दोनों शराबी थे और बीना की उनसे कुछ कहा सुनी भी हुई थी। हरी का स्टेटमेंट वेरीफाई करो सर। और शबीना केस पे क्या अपडेट है? सर, मेरी फारूक से बात हुई, अब वो शादीशुदा है, लेकिन सर उसकी शादी शबीना से नहीं बल्कि किसी और ही लड़की से हुई, और सर उसने शबीना को नहीं भगाया था। फारूक पे नजर रखो और फारूक के दोस्तों से भी बात करो सर। सर, नीलोफर के केस में एक अपडेट मिली है। सर, इसका नाम विमल गुप्ता है और ये एक बिजनेसमैन था, और नीलोफर इसके केस की चश्मदीद गवाह थी। और नीलोफर का मर्डर कब हुआ? सर, इसके हियरिंग से 2 दिन पहले, और नीलोफर इसके हियरिंग में गवाही भी देने वाली थी। विमल केस में सस्पेक्ट कौन था? सर, विमल के केस में प्राइम सस्पेक्ट ये गुंजेश नाम का डिलीवरी बॉय था। सर, ठोस सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट ने इसे बरी कर दिया था। गुंजेश, इस पजल की आखिरी कड़ी है, गुंजेश ही हो सकता है। सालों पुराने केसेस को रीओपन करके किसी अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं होता। सबूत मिट चुके होते हैं, गवाह जुटाना मुश्किल होता है। मधु उर्फ नीलोफर के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इस केस का रुख मोड़ने वाला सबसे अहम गवाह अभी पुलिस की पहुंच से काफी दूर था। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। ओके डार्लिंग। अरे कहाँ चली मेरी रानी? नाटक कर रही है ना? नाटक कर रही है। मुझे मुझे बताती है, ठीक है? आपकी सारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। लीजिए लीजिए, लंगोट के बड़े ढीले हैं आप। चलिए अब थोड़ा पैसा ढीला कीजिए, वरना ये सारी फुटेज ना मालकिन को दिखा दूंगा। सर, डिलीवरी बॉय गुंजेश के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है,
लेकिन निलोफर को आखिरी बार जिस लड़की ने देखा था, जयंती। हाँ सर, सर उसके बारे में पता चल गया है। वो दिल्ली में मेड का काम करती है और निलोफर के पिता अयूब के बारे में पता चल गया है। अयूब का है? जेल में, एक मर्डर के केस में 4 साल से जेल में है। मर्डर केस में? हाँ सर। और सर एक चौंकाने वाली बात पता चली है, अयूब के बीवी बच्चे मेवात में रहते हैं। जब मैंने उनसे बात की तो पता चला है कि अयूब की कोई निलोफर नाम की बेटी ही नहीं है। What? नहीं यार, उस कंजे से सिर्फ 20,000 कमा पाई मैं। अब इन छोटी मछलियों से काम नहीं चलने वाला, कोई बड़ी मछली फंसानी होगी। तू एक काम कर, मुझे साउथ दिल्ली के ऐसे 5 रईसों के नाम दे जो हवस के पुजारी भी होने चाहिए और अमीर भी। ठीक है, एक मिनट। जी जयंती जी, कहिए। मुझे तुम्हारी टीचर मधु के मर्डर के सिलसिले में तुमसे कुछ बात। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। सुनो, सब कौन निलोफर? मेरी उम्र हो गई है इसलिए कुछ याद नहीं रहता। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? कम से कम जेल में तो चैन से रहने दीजिए। चुप, जेल में लोग चैन से रहने नहीं, सजा काटने आते हैं। देख, मदद कर हमारी ये जानने में कि निलोफर की मौत कैसे हुई थी, नहीं तो तुझे तेरी बेटी निलोफर का कातिल साबित करना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। चल बोल, कैसे हुई थी तेरी बेटी निलोफर? निलोफर मेरी बेटी नहीं थी साहब, निलोफर कॉल गर्ल थी। देखते ही भाग गई थी साहब मुझे। निलोफर को अपनी अम्मी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तो मैंने पैसे देकर उसे खरीद लिया उसके दलाल गौतम से। 7 लाख रुपए देकर 7 महीने के लिए खरीदा था साहब उसे, पर साहब वो सिर्फ 2 महीने में भाग गई। फिर तूने निलोफर का बाप बनकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई। तो और क्या करता साहब, सारे अड़ोसी पड़ोसी मेरे पीछे पड़ गए साहब। इसलिए मार डाला उसको? नहीं साहब, मुझे तो खुद निलोफर के मौत की खबर अखबार से मिली साहब। मेरे तो पैसे भी गए और लड़की भी गई साहब। वो दलाल गौतम जिसे तूने निलोफर को खरीदा था कहाँ मिलेगा? वो सब होटल रोजवुड, होटल रोजवुड उसका पुराना अड्डा हुआ करता था, शायद अब भी वहां आता जाता हो। सर निलोफर के केस में कड़ियां तो जुड़ रही हैं, क्योंकि उसके मकान मालिक ने बताया था कि गौतम को उसने थप्पड़ मारा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गौतम निलोफर को वापस प्रोस्टिट्यूशन में ले जाना चाहता और निलोफर तैयार नहीं थी इसके लिए? अनुज, होटल रोजवुड पे नजर रखो, ये गौतम किसी भी हालत में फंसना नहीं चाहिए। ओके सर। और हाँ सर, जयंती भी कॉपरेट नहीं कर रही है। जयंती के लिए ऐसा सर, ATT ने फाइल भेजी, निलोफर के केस से कनेक्टेड है। क्या हुआ सर? 11 साल पहले एक लीडर की ब्लास्ट में हत्या हुई थी, निलोफर से भी पूछताछ हुई थी इस केस में। ब्लास्ट में इन्वॉल्व एक आदमी से रिलेशन थे निलोफर के। उस वक्त निलोफर ने ATT को बताया था कि वो एक कॉल कर रहे हैं, उसके बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी बैकग्राउंड के बारे में उसे कुछ नहीं पता। इसका मतलब निलोफर के लिंक उग्रवादियों से भी थे? ATT को शक तो था निलोफर पर, हालांकि कुछ साबित नहीं हुआ। पहले एक टीचर, उसके बाद कॉल कर, फिर उग्रवादियों से उसके संबंध। आखिर थी क्या है लड़की? लगे जाने से। क्या कहा तूने? हाँ सर, मैं निलोफर से पहले उसकी माँ रुखसाना के लिए कस्टमर लाता था। रुखसाना भी इसी धंधे में थी साहब, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी निलोफर ये काम करे, और यही कारण था कि उसने अपनी बेटी को अब खुद से दूर रख के पढ़ा। इधर आ। मैंने कहा था ना तुझसे, ये जगह तेरे लिए नहीं है, फिर यहाँ क्यों आई? अरे रुखसाना क्यों भड़क रही है? तेरे को पता तेरी लड़की पटाखा है, पटाखा। अरे अगर तू बोले तो मैं तोड़ दूंगी तेरा, अगर तुम्हारा ऐसी बात कही तो। फट। अम्मी, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी। बेटा निलोफर, तुझे मुझसे नहीं, इस पूरी जिंदगी से आंख मिलानी है। तुझे मेरे जैसा नहीं, एक इज्जत की जिंदगी जीनी है तुझे। निलोफर एक छोटी सी दवाई की दुकान में काम करती थी साहब, लेकिन अजीब बात है,
किस्मत उसे वहीं ले आई जहां वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन जैसे उसकी जिंदगी में प्रेम आया वो फिर से उड़ गई साहब। लेकिन तूने उसको ढूंढ निकाला, तू उसको वापस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लाना चाहता था, उसने मना किया, इसलिए थप्पड़ मारा था ना उसने तुझे। निलोफर, निलोफर मर चुकी है, मधु बोल। हाँ हाँ ठीक है मधु, देख ध्यान से सुन ले, प्रेम ने कुवैत जाने से पहले मुझसे 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, बोल रहा था 2 महीने में लौटा देगा, अब 2 महीने बीत चुके, मेरे पैसे नहीं मिले हैं मुझे अभी तक। गौतम जैसे ही प्रेम पैसे भेजेगा मैं तुझे दे दूंगी, थोड़े टाइम रुक जाना। मेरे सर पे भी लोग वसूली करने के लिए बैठे हुए हैं, देख अगर तूने मेरे पैसे जल्दी नहीं चुकाए ना तो मुझे उन लोगों को तेरा पता देना पड़ेगा। गौतम प्लीज ऐसा मत करना, देख कुछ और रास्ता होगा ना। कोई और रास्ता? एक रास्ता है। उसने धंधा करने से मना कर दिया इसलिए तूने उसको मार डाला। नहीं साहब, उसकी मौत से तो सच कहूं मेरा नुकसान ही हुआ है साहब। एक लड़की की जान चली गई और तुझे नुकसान की पड़ी। इंस्पेक्टर साहब, ये निलोफर कोई साधारण लड़की नहीं थी, लॉटरी थी, लॉटरी। कभी अयूब को लगी, कभी मुझे, तो कभी प्रेम को, और सबने उसका फायदा उठाया सर। प्रेम ने भी? हाँ साहब। काम लेगा प्रेम? वो तो नहीं पता मुझे साहब, लेकिन अगर आप लोगों को मिल जाए तो मेरे पैसे निकलवा लेना उससे, और चाहिए तो थोड़े पैसे आप भी रख लेना। अरे सर, मारी आप सर, अरे खास इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको सर। सर एक एक औरत है आयशा कुरैशी नाम की। आयशा कुरैशी? हाँ सर, वो इस निलोफर की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मुझे पक्का यकीन है कि उसे जरूर पता होगा इन दिनों ये प्रेम कहाँ पे है। सर गौतम सही कह रहा है, आयशा अलवर में ही रहती है। निलोफर का केस काफी उलझाने वाला है, अनुज कुछ तो है जो अभी भी इस केस में छूट रहा है। एनीवे मैं जयंती से बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम अलवर जाओ, आयशा से मिलो। सर जी सर, निलोफर और मैं पहले एक ही मोहल्ले में रहते थे, कुछ ही दिनों में दोस्ती भी हमारी अच्छी हो गई थी, प्रेम के साथ खुश थी सर वो, लेकिन ये गौतम उसे बहुत तंग करता था सर, बार बार उसे वापस से धंधे में बैठने के लिए दबाव डालता था। हो ना हो सर, ये गौतम ने ही उसे मारा है। अगर गौतम ने निलोफर को मारा है तो वो बचेगा नहीं, लेकिन हमारा प्रेम से बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बता सकती हो प्रेम के बारे में? सर मुझे प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता। जयंती, मैं जानता हूँ उस हादसे ने तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। देखो अगर तुम हमें निलोफर, मेरा मतलब है कि मधु के कातिल तक पहुँचने में मदद करोगी तो ना सिर्फ मधु को इंसाफ मिलेगा बल्कि तुम्हें भी सुकून पहुँचेगा। सर आज भी उस आदमी के पैरों की आज मुझे डरा देती है। अब वो डरेगा? बस जितना तुम उस आदमी के बारे में जानती हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताने की कोशिश करो ताकि हम जल्दी से उस तक पहुँच सकें। सर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन उसने अपने हाथ में एक सिल्वर कलर का ब्रेसलेट पहना था। ब्रेसलेट? हाँ सर। अच्छा जयंती, मधु ने कभी जिक्र किया था तुमसे कि उसका पति प्रेम कहाँ का रहने वाला है, कुछ इस बारे में बताया था? हाँ एक बार उन्होंने कहा था कि वो चूरू गांव के किसी ब्रह्मपुरी का रहने वाला है। प्रेम शुक्ला? सर प्रेम को तो 2015 में किसी ने मार दिया था। कैसे हो सकता है? कितना नजदीक थे हम केस सॉल्व करने के। सर प्रेम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक प्रेम के आंखें, मुंह, नाक भी और दोनों की बॉडी में सेम ड्रग के ट्रेसेस भी मिले थे। क्योंकि निलोफर को तड़पा तड़पा के मारा गया जबकि प्रेम को मारने में जल्दबाजी दिखाई गई है।
प्रेम की मौत सफोकेशन से नहीं हुई बल्कि फटल ब्लो से हुई। प्रेम के चेहरे और सर पर 5 बार वार किए गए। होना हो नीलूफर और प्रेम का कातिल एक ही है। अनुज नीलूफर और प्रेम के मर्डर की पहले की उनकी सारी एक्टिविटीज बता दो। यस सर। सर सुनील कुमार नाम के एक सुनार का पता चला है जिसे नीलूफर ने मरने से 3 दिन पहले 3 लाख के गहने बेचे थे। क्या नाम बताया तुमने सुनार का? सर सुनील कुमार। किसी जमाने में मैं भी पुलिस में था, तब से जानता हूँ नीलूफर को। उस वक्त वो एक छोटी सी दुकान पर बैठा करती थी, फिर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई और फिर मेरी रिटायरमेंट के बाद वो मुझसे मिली। तब पता लगा कि उसने किसी प्रेम नाम के लड़के से शादी कर ली। उसकी मौत से कुछ दिन पहले ही उसने मुझे घर पर बुलाया था। बेटा प्रेम को कुवैत भेजने के लिए तूने पहले ही कितनी जेवर भेज दी, अब ये भी भेज दी कि तू तेरे पास क्या बचेगा? चाचा ये जेवर बेचकर मुझे भी कुवैत जाना है प्रेम के पास। मुझे जेवर की नहीं अपने पति की जरूरत है। आप देखिए ना इनका जितना भी पैसा बनता है आप मुझे दे दीजिए। मुझे क्या पता था कि वो पैसे उसकी मौत से जा जुड़ेंगे। जरूर सर इन पैसों की वजह से ही किसी ने मार दिया नीलूफर को। ठीक है सुनील फिलहाल तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। अनुज अपने खबरियों से कहो कि वो पता लगाएं कि नीलूफर के मर्डर के आसपास किसी के पास अचानक से बहुत सारे पैसे आए थे क्या? यस सर। मैं तेरी मदद करूंगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी का सगा नहीं होता। जो करना था मैंने खुद कर लिया। ये तो मर गया। तूने किया है सब? कैसे मारा इसे? का इंजेक्शन देकर, उससे हार्ट अटैक आ गया इसको। तुझे कैसे पता इस इंजेक्शन के बारे में? फार्मेसी की स्टूडेंट हूं मैं, और इसको मैंने ही मारा। अरेस्ट कर लीजिए मुझे। मेरी भी बेटी, मैं समझ सकता हूं कि तुझ पर क्या बीती होगी, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। तूने मनोहरलाल को नहीं मारा, ये हार्ट अटैक से मारा है। तू ये सब कुछ भूल जा और जा अपनी नई जिंदगी शुरू कर। जा बेटी जा। और हाँ सर, उन 3 औरतों का मर्डर भी उसी ड्रग से हुआ था जिससे नीलूफर और प्रेम कुमार का हुआ था। उनकी आंखें और मुंह भी ग्लू से चिपकाए गए थे? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, उन सभी ने नीलूफर की तरह मरने से कुछ दिन पहले कुछ जेवर या प्रॉपर्टी बेची थी। लाखों रुपए जमा थे उनके पास जो उनको मारकर लूट लिए गए थे। ये किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं है? सर नीलूफर के मोहल्ले में एक शोएब नाम का आदमी रहता था। सर वैसे तो कड़का था लेकिन अचानक से उसके पास काफी पैसा आ गया था, और नीलूफर की मौत के कुछ दिन बाद ही शोएब अपनी बीवी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया है। ये देखिए सर, ये उसका एड्रेस है। हाँ सर, शोएब मेरे पति है। कहाँ मिलेगा शोएब इस वक्त? सर वो अक्सर शहर के बाहर रहते हैं। अभी इस वक्त वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। ओके, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है आयशा जी आपको याद ना आ रहा हो कि वो कहाँ है, पर कोई बात नहीं, हम याद दिलवा देंगे। ये पूजा है। पूजा जरा आयशा जी को याद करवाओ। सर सर मैं बताती हूँ सर। शोएब का है? आयशा का पति शोएब का है? शोएब छोटा मोटा चोर था। जब वो जेल में था तो मैं और आयशा करीब आए और हम दोनों को प्यार हो गया। आइए आइए आयशा जी आइए, आप ही का इंतजार था, बता रही है। आगे बोल। आयशा
शोएब को छोड़कर मेरे साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए हमने एक प्लान बनाया था। शोएब बहुत पुराने ख्यालों वाला था और जब वो जेल से छूट कर आया तो आयशा ने उससे बताया कि पैसे कमाने के चक्कर में उसने प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करना शुरू कर दिया है। सर, मुझे लगा था ये सुन के शोएब बहुत खफा होंगे और मुझे तलाक दे देंगे और फिर तुम प्रेम के साथ शादी कर लोगे। जाहिर सी बात है, ऐसा हुआ नहीं होगा। जी हाँ सर, लेकिन हमने हार नहीं मानी सर। मैंने नीलोफर को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लिए और फिर कुवैत चला गया। तू भी छुटकारा पाना चाहता था नीलोफर से? हाँ, लेकिन वो भी शोएब की तरह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं जानती थी शोएब पैसा कमाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है। ये बात आयशा ने कुवैत फोन करके मुझे बताई। मुझे एक आइडिया आया। मैंने शोएब को नीलोफर का खून करने के लिए पैसे का लालच दिया था और वो मान गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दरअसल वो आयशा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, आप चलिए ना मेरे साथ। चलिए। आंख नाक और मुंह पर गोंद डालकर उसे मार डाला। नीलोफर के बाद शोएब की बारी थी। प्रेम जब कुवैत से लौटे तो हमने शोएब को भी ड्रग का इंजेक्शन दिया और नीलोफर की तरह उनकी आंखों में, नाक में और मुंह में ग्लू डाल दिया और सर पे पत्थरों से कई बार वार किया। मैंने शोएब को मेरे कपड़े पहना दिए और मेरा वॉलेट और सारे कागजात भी उसके जेब में रख दिए ताकि सबको लगे कि शोएब नहीं प्रेम मारा गया है। नीलोफर की आंखें, नाक, मुंह, इन सब जगहों पर ग्लू क्यों डलवाया? इतनी बेरहमी से क्यों मरवाया उसको? क्योंकि उसने मेरी आंखों में धूल झोंकी थी। उसने मुझे अपने अतीत के बारे में नहीं बताया था। और तूने जो इतने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है वो, और शोएब को इस तरह से क्यों मरवाया तूने? ताकि पुलिस को लगे कि दोनों को एक इंसान ने मारा है। हम दोनों को लगा कि शोएब को कातिल समझकर पुलिस उसके पीछे जाएगी। नीलोफर की तरह और भी लड़कियां थीं प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में, उनको क्यों मरवाया? पैसे के लिए। पहले उन्हें मेरे प्यार के जाल में फंसाता और फिर शादी का वादा करता और पैसे मिलते ही मार डालता। क्या पाया ये सब करके? एक दूसरे का साथ पाया सर। हम दोनों हर हाल में हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। वो तो होने सर, क्योंकि जेल में आदमी और औरतों के लिए बैरक अलग अलग होते हैं। मधु, उस नीलोफर की कहानी ने मेरी अब तक की क्राइम की समझ पर कई सवाल या निशान खड़े कर दिए। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता है, कई बार इंसान हालातों के आगे मजबूर भी होता है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि किसी को भी जज करने से पहले एक बार उसके हालातों के बारे में जरूर सोचें। रीओपन किए गए तीनों केसेस को सॉल्व करने में पुलिस कामयाब रही। बीना की हत्या के जुर्म में सर, आप भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं। देखो, मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता, मैं साइंस और लॉजिक को ज्यादा मानता हूँ। और उसकी बातों से गुंजेश की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। प्रेम और आयशा ने मधु और शोएब की लाशों पर अपने प्यार का आशियाना बनाना चाहा, लेकिन जुर्म की दीवार से टिकी इमारत हमेशा ठह जाती है। इन केसेस की कामयाबी से एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून के शिकंजे से ज्यादा देर बच के नहीं रह सकता। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।